अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि हम JKGBDI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारी बारी इंटरव्यूज हम करेंगे। आज हमारे पास जो सैयद बहाउद्दीन बुखारी मौजूद हैं, जो जिनको यूरोप से मतलब डायरेक्टर चुना गया है। आप JKGBDI यूरोप के डायरेक्टर हैं और आप माशाल्लाह इस वक्त PhD कर रहे हैं और आपको पार्ट कश्मीर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब बुखारी साहब, क्या हाल आपको खरीद से आपसे ठीक है। भाई साहब, ये जरा बताएं कि यूरोप में चूंकि आप मौजूद हैं और वहां पर भी कश्मीरी की बड़ी तादाद मौजूद है, तो आप क्या समझते हैं कि यूके की तरह एक एक, एक बड़ी तादाद है क्या यूरोप में लोगों की, और उनका जो ट्रेंड है जो आपने उनसे डिस्कशन की है JKGBDI की के हवाले से, कि एक पहली दफा एक ऐसा यानी प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें मुश्तरका कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर और फ्री कश्मीर और जो चाइना के साथ कश्मीर है या फिर आप समझ लें कि ये भी है, इनके मुश्तरका राइट्स के लिए यूनाइटेड कश्मीर के हवाले से जो है एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया है, उस पर लोगों की राय क्या है, और आप क्या समझते हैं कि क्या यूके की तरह या USA की तरह और UAE की तरह ज़्यादा तादाद में लोग मेंबर बनना चाहेंगे या कोई ऐसी रुकावट फील कर रहे हैं आप। बुखार साहब, आप अपने बारे में भी जरा बताइएगा कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं स्वीडन के अंदर, और मुस्तकबिल करीब में आप क्या वहाँ ठहरना चाहेंगे या वापस पाकिस्तान आ जाएंगे या वापस आप अकोबार कश्मीर चले जाएंगे, इस पर भी जरा बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेहमान जो हैं वो आपके बारे में इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि आप जब बींग डायरेक्टर आप JKGBDI स्वीडन में मौजूद होंगे तो आपकी पोजिशन कहीं और होगी, चूँकि वहाँ पर ज़्यादा काम कर सकेंगे और या आप वहाँ से वापस आ जाएंगे, इस बारे में भी जरा अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि आप मुस्तकबिल करीब में अपने बारे में क्या प्रोग्राम रखते हैं। आप जरा एक इंफॉर्मेशन लेकर मुझे, जब आपको मालूम तो होगी भी और अखबारात भी जरूर पढ़ते होंगे, कि यूरोप के अंदर एक्सक्लूडिंग UK कितनी तादाद में कश्मीरी मौजूद है, कोई इसका कोई डेटाबेस आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर नहीं है तो कोई एस्टिमेटली क्या समझते हैं आप कि कैसे लोग मौजूद हैं, क्या वो वहीं के होकर रह गए हैं या कश्मीर में मुतअद्दा कश्मीर के बारे में इन्वेस्टमेंट यहाँ के जो लोकल वासी हैं उन लोगों को डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, आने वाली नस्लों के बारे में कुछ अपना किरदार अदा करना चाहते हैं या नहीं है, और दूसरी बात यह है कि क्या समझते हैं आप कि कितनी तादाद में लोगों ऐसे मौजूद होंगे जिनके अकाउंट जो हैं पाकिस्तान के शेड्यूल बैंक्स में मौजूद हैं और उनका जो 25% है उसको कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए वो कहीं इन्फ्लुएंशियल या कोई ऐसी इनमें राय रख सकेंगे या अपना किरदार अदा कर सकेंगे जिससे लोगों को कश्मीरियों को फ़ायदा होगा। भाई साहब, इस प्रोग्राम को मसर बनाने के लिए आप क्या समझते हैं कि JKGBDI को कैसा इनिशिएटिव लेना चाहिए स्टार्ट में, चूंकि ये पहली दफ़ा देखा गया है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बाजार तक अभी स्टार्ट नहीं हुई, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई, अभी उसका अकाउंट नहीं खोला, इसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में मेम्बर ने ज्वाइन किया है और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर और वेबसाइट पर आकर न सिर्फ मेम्बरशिप की है बल्कि बहुत सारे मामला पर उन्होंने इनपुट भी दिया है और बहुत दबंग अंदाज से वो एक तैयारी पकड़ रहे हैं कि कश्मीर के जो लोकल लोग हैं जो बरनपुर जा चुके जाकर 600 दिनों पर काम कर रहे हैं बेचारे, उनको इसी मुल्क के अंदर इसी अपने लोकल शहर के अंदर अपने घर के पास जो है इन्वेस्टमेंट के लिए या छोटे मोटे कारोबार के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग की जाएगी जिसे वो डेवलप कर सकेंगे, तो इस बारे में आप समझें या लोग अपने मेम्बर्स के लिए कोई मैसेज दें कि ये सिलसिला कैसा रहेगा। इसके अलावा आपके जहन में अगर कोई ऐसा सवाल आ रहा हो या ऐसी कोई बात हो जो कि आप समझते हैं कि यहाँ पर मैं नहीं पूछ सका और आपको उसका जवाब देना चाहिए, या फिर कोई ऐसी बात जो बतौर मैसेज मेंबर्स ऑफ JKGBDI बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ JKGBDI एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ JKGBDI जो है वो बहुत ज़रूरी है जो कहीं डिस्कस नहीं हो सका, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको फॉलो किया जाए आपकी तरफ से, आई होप दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द पीपल्स अटैच विद द JKGBDI।
بھر صاحب میں اس کو ایڈٹ کر لوں گا آپ کی جو گفتگو جب آ جائے گی تو میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ اس کو انشاءاللہ پراپر طریقے سے اس کو ایڈٹ کر کے تو اس کو لگایا جائے, ٹی وی پہ لگایا جائے اور اس کی پھر خوبصورت جو ہے نا اس کی ایڈیٹنگ کی جائے, نیچے آپ کی پٹی بھی ڈالی جائے. تو تھینک یو ویری مچ. میں اس کو آپ بعد میں جب بیٹھوں گا تو سماپ کر لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.